आयुष शर्मा की रुसलान फिल्म का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। अब एक दिन बाद ही ये फिल्म कानूनी पछड़ों में फंसती नजर आ रही है। फिल्म के टाइटल को लेकर घमासान मचा है, तो आइए बताते हैं कि आखिर क्यों रुसलान के मेकर्स को नोटिस भेजा गया है। रुसलान के मेकर्स को ये नोटिस एक्टर राजवीर शर्मा के वकील रुद्र विक्रम सिंह के जरिए भेजा गया है। उन्होंने फिल्म के टाइटल को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वह फिल्म का नाम बदले और अगर किसी भी डायलॉग या कहानी में इस नाम का जिक्र होगा। नोटिस में दावा किया गया है कि इसी टाइटल से उनकी फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक्टर राजवीर शर्मा और दिग्गज एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी की बेटी मेघा चटर्जी नजर आई थी। अब ये फिल्म जल्दी OTT पर रिलीज होने जा रही थी, तो कुल मिलाकर ये नोटिस एक जैसा टाइटल होने की वजह से भेजा गया है। रुसलान में एक बार फिर आयुष का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इस फिल्म में आयुष का एक पास्ट होगा जो कि अच्छा नहीं होगा, और वो अपने पास्ट को लेकर गैंगस्टर बन जाएगा। टीजर में इसकी ज्यादा स्टोरी रिवील नहीं हो पाई है, और इसकी स्टोरी जानने के लिए हमें इसका ट्रेलर देखना होगा। आयुष शर्मा का एक्शन नेक्स्ट लेवल दिखाया गया है। शायद ये फिल्म लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने वाली है, क्योंकि एनिमल और KGF में भी उनके बुरे पास्ट को दिखाया गया था, और कुछ ऐसा ही रुसलान मूवी के टीजर में भी दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताना। दिस इज योर प्रतीक साइनिंग आउट।